हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ वजीरेक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कौन सी क्रिप्टो हैं जिनको आप बाय करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस टाइम पे कुछ क्रिप्टो ऐसी हैं जिनको आप बाय करेंगे अगर, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्रिप्टो हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं और कैसे उनको बाय करना है, कैसे उनको सेल करना है। कंप्लीट प्रोसेस के साथ हम डिस्कशन करेंगे आज, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, तो आप जानते हैं कि इसमें जो फ्लैक्चुएसन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अप और बहुत ही ज़्यादा कभी कभी डाउन होता है। जैसा कि आप इस टाइम पे देख रहे होंगे, शिबा इनू जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है, लेकिन अभी मार्केट जो है वो रिकवर हो रहा है। लेकिन अगर हम आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कौन सी आपको क्रिप्टो है जो ख़रीदना है, यानी कि अगर आप वजीरेक्स यूज कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा शेयर है जो आप ख़रीदना चाहते हैं और उससे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में दो शेयर जो हैं बहुत ही अच्छे से चल रहा है, जो कि 3 महीने से आप देख रहे होंगे। यूएसडीटी में आप हर 2 दिन में 3 दिन में आप 2 रुपये का 3 रुपये का फ्लैक्चुएसन देखते ही होंगे। कभी 86, कभी 89, कभी 87, कभी 89, मतलब ये 2-2.5 रुपये का फ्लैक्चुएसन आता ही है हर 2-4-10 दिन बाद। जैसे ही यूएसडीटी बढ़ता है, आप देखते होंगे बाकी के बाकी शेयर जो होते हैं, यानी कि जो क्रिप्टो हैं वो डाउन हो जाती हैं। जैसे यूएसडीटी डाउन होता है, बाकी के बाकी जो क्रिप्टो हैं वो अप हो जाती हैं। तो आप यूएसडीटी से कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे आपको कौन सी क्रिप्टो को बाय करना है। अगर अभी आप देखेंगे यूएसडीटी 88.5 पे चल रही है, ठीक है, 0.9% का आगे जो है इसमें फ्लैक्चुएसन हुआ है प्लस में, ओके। वहीं अगर हम बात करेंगे इस टाइम पे सीटीएसआई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएसन देखने को मिला था। जैसा कि आप इस वाली क्रिप्टो को देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएसन लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा कि इसमें लगभग 24 से 25 रुपये तक ये गई थी, ठीक है। यानी कि सीटीएसआई की अगर हम बात करेंगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएसन हुआ था और इस टाइम पर ये डाउन हुआ है। आप इसको भी बाई करके आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट टाइम में आपको होल्डिंग करना है और आप उसे कमाना चाहते हैं 2-4 हफ्ते बाद तुरंत, तो वो यूएसडीटी में आप बाई करिए और यूएसडीटी को आप बेचिए, तो आप इससे अच्छी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। शिबा इनू को आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। शिबा इनू जो है वो आप अगर आप इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो शिबा इनू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, जिस क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। लेकिन आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये मार्केट में आगे ग्रो करेगा तो ये बहुत ही अच्छी रिटर्न देके जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डोजी कॉइन की, वजीरेक्स जो है, जो वजीरेक्स का टोकन है, वजीरेक्स टोकन इस टाइम पे बहुत डाउन हुआ है। अभी 15 दिन पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये 18 रुपये के आसपास था, 18-19 रुपये के आसपास था, लेकिन इस टाइम पे ये लगभग 10-11 रुपये के आसपास है। तो इसको भी आप अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं और इससे भी आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल सकती है। आपने फिलहाल अभी वजीरेक्स के कुछ फीस में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो एक नई पॉलिसी आई है जिसमें कैसे आपको वजीरेक्स के टोकन कितने होल्ड करने हैं, उसका आपका 30 दिन के बीच में आपको कितने के ट्रेडिंग करनी है, फिर आप कितने परसेंट जो है वो फीस लगेगी, चार्ज लगेगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा हमने डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको कितने वजीरेक्स के टोकन होल्ड करने हैं आपके पोर्टफोलियो में और फिर आपको कैसे उसको मैनेज करना है अपनी फ़ीस को, ओके। अब अगर हम बात करेंगे इसमें बाई और शेयर का, तो जैसे अगर हम बात करें वजीरेक्स पे जाएंगे तो वजीरेक्स अगर आपको बाई करना है तो आप बाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइस आ रहा है, प्राइस जो भी आपको प्राइस डालना है यहाँ पे प्राइस डालिए। अगर आपको 10.93 का है तो यहाँ पर 10.93 डाल सकते हैं, ओके, 10.93 डाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको अमाउंट डालना है, वजीरेक्स कितनी क्वान्टिटी में खरीदना, मान लीजिए आपको यहाँ पर 200 क्वान्टिटी में खरीदना है तो यहाँ पे 200 डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे INR आएगा। लेकिन अगर आपको 200 नहीं डालना है, आपको यहाँ पे रुपए पे खरीदना है, यानी कि अगर आपको 1000 रुपये पे खरीदना है तो 1000 रुपये डालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो अमाउंट होगा वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9.3 पे और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 91.4 जो वजीरेक्स हैं वो आप इसको बाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सेल करना है कोई टोकन तो आप यहाँ पे क्लिक करिए सेल पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी आपको सेल करनी है यहाँ पे आप क्वांटिटी फिल करिए, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से बाई सेल यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो
ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप देख सकते होंगे जो ग्राफ है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अप चला था लेकिन अब ये डाउन हुआ है, तो आप यहाँ पे इसकी वजह रेक्स की क्वांटिटी को आप होल्ड करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली वीकली आप इसको अच्छे से खेलना चाहते हैं तो आप USDT में जा सकते हैं। USDT बहुत ही अच्छा इस टाइम पर प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें 1 रुपये 2 रुपये का फ्लक्चुएसन हर 2-3 दिन में आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आपको रिसर्च आपने अगर की होगी तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रिप्टो में इसमें खेल सकते हैं वजीरेक्स में, ठीक है। मोर अपडेट्स के लिए हम लोग और भी ज़्यादा वीडियो साझा करेंगे आपके साथ, और जैसे जैसे हमारे पास कोई नई अपडेट आएगी क्रिप्टो से लेकर के हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।